प्रदेश के शहडोल जिले से आ रही है खबर, जहां पर अवैध एम्बुलेंस चालक पीड़ित मरीजों से वसूल रहा था मनमाना पैसा। बॉबी लांबा फर्जी तरीके से चला रहा था एम्बुलेंस। सुहागपुर पुलिस ने इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया, जहां पर बात सामने आई है कि आपदा को अवसर बनाकर अनुचित लाभ लेने वाले बॉबी लांबा पर कार्रवाई हुई है, जहाँ पर बॉबी ट्रेवल्स संचालक और वाहन चालक पर दोनों पर मामला दर्ज किया गया है। सुहागपुर पुलिस ने चालक विश्वनाथ और संचालक बॉबी लांबा को हिरासत में ले लिया है। बॉबी ट्रेवल्स द्वारा बिना अनुमति के वाहन में परिवर्तन कर चलाया जा रहा था एम्बुलेंस। बिना अनुमति के बॉबी लांबा फर्जी तरीके से चला रहा था, जहां पर चालक विश्वनाथ व बॉबी लांबा पर धारा 420, 188 मोटर व्हीकल एक्ट और आपदा प्रबंधन की विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक अवधेश कुमार गोस्वामी, SP मुकेश वैश्य के निर्देशन में यह कार्रवाई हुई है। कल थाना सुहागपुर पुलिस को और ट्रैफिक पुलिस को, जिसमें हैं कुछ अधिकारी हमारे शामिल हैं टीम में, और उनको ये जानकारी मिली थी कि बाणगंगा तिराहे पर कोई एक सुनील लांबा और बॉबी ट्रेवल्स वाले की गाड़ी है, जो इनोवा है और उसको एम्बुलेंस के रूप में उपयोग की जा रही है और उसके अनाप शनाप किराया वसूल किया जा रहा है। वो गाड़ी निकलने वाली है। बाणगंगा के राह पर इस गाड़ी को रोका गया और उसको चेक किया गया और गाड़ी के कागजात भी चेक किए गए, तो उसमें ये पाया गया कि इनोवा गाड़ी को एम्बुलेंस के रूप में परिवर्तित किया गया था और लोगों से मनचाहा किराया वसूल किया जा रहा था और कोरोना काल में लोगों की मजबूरियों का फायदा उठाया जा रहा था। ये परिस्थिति सामने आने पर पूरी जांच के सत्यात में थाना सुहागपुर में अपराध क्रमांक 219/2021 धारा 420, 188 IPC महामारी अधिनियम 339 और मोटरयान अधिनियम 39 192 की धारा पंजीबद्ध की गई है और आरोपी इसमें सुनील लांबा और उनका एक चालक विश्वनाथ कुशवाहा, इनके विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध करके और विवेचना की जा रही है। दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी भी कल देर रात की गई है और इस पर पुलिस जो है जांच कर रही है। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए शहडोल से अनिल लहंगीर की रिपोर्ट।